सो हाँ, मैं और हरदेव अभी रेडी हैं जाने के लिए. धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही. ट्रक बाहर खड़ा है. हमने जितना सामान अपने साथ लेके जाना था सारा डाल दिया ट्रक में. तो अभी वो बस पानी की बॉटल्स वगैरह रख रहा है. मैं आपको अपना ट्रक दिखाती हूँ जिसमें हम जा रहे हैं. सो ये रहा हमारा ट्रक. हाँ, ये रहा हमारा ट्रक जिसमें कि हम जा रहे हैं. बहुत बड़ा ट्रक है. ऑलमोस्ट 8 टन आई गेस. और सारा सामान हमने इधर अंदर रख दिया. चलो अंदर से दिखाती हूँ ट्रक आए. देखो थोड़ी बॉटल्स यहाँ रखी है. पानी की सामान भी ऐसे ही रहेंगे. तो चढ़ना भी नहीं आना. तो ये रहा हमारा ट्रक. ये थोड़ी सी जगह है पीछे सोने के लिए. अभी हमने चद्दर और पिलो रखा है और एक बंदा इधर भी सो सकता है. से मुझे लगा थोड़ी ज़्यादा जगह होगी पर ऐसी ही है. तो ये हमारा ट्रक. इसको थोड़ा मैं भी सजाऊंगी. मैं लाइट्स लेके आई हूँ अपने साथ. 11:19 हो गए हैं और आज है ट्यूसडे. तो हम घर से निकल गए हैं. तो स्टोरी बिहाइंड द जर्नी इज कि हरदेव का जो ऑनर है उनका ट्रक जा रहा है कहाँ जा रहा है सिडनी. तो वो मूव कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बंदा चाहिए, मुझे ढूंढ के दे. उन्होंने बोला कि चाहिए तो मैं ही ठीक हूँ, मैं ही चलता हूँ क्योंकि उनके जाने के भी उनको पे मिलेगी ही और आते टाइम उनको रिटर्न टिकट भी मिलेगी. तो मेरा भी मतलब सेम ही टाइम पे मेरे को स्टडी वीक मिला. यहाँ पे होता है कि आपकी कुछ टाइम के बाद, एक महीने के बाद एक स्टडी वीक मिलता है जिसमें कि छुट्टियाँ होती हैं पूरे वीक आपको. तो वो मेरा अभी था 1-2 ये वाला पूरा वीक. तो मेरे को था कि हाँ चलेंगे. तो फिर इसी वीक चलेंगे. अगर अगले वीक तक आपका चला गया तो फिर मेरे से नहीं जाया जाएगा. तो हमारा बन गया प्लान, फाइनल हो गया. कल रात को ही फाइनल हुआ और मेरे को रात को ही सारी पैकिंग वैकिंग सब कुछ करना पड़ा और हम चले. ये मेरा ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर, ये भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं. तो अभी शुरू हुआ है इसलिए बहुत खुश हूँ. लेकिन मुझे पता है रास्ते में मेरी काम मेरा खराब होने वाला है क्योंकि 4,000 किलोमीटर कम नहीं होता. अगर हमने मैप पे भी देखा जाए तो वो लगातार, अगर लगातार भी हम चलते रहे तो वो फिर भी एक दिन और 16 घंटे का टाइम बता रहा है. लेकिन हम लगातार तो चल नहीं सकते. अकॉर्डिंग टू रूल हमें चलना पड़ेगा. तो मच्छर ना ज्यादा उन्होंने टांगा लगा नहीं सहारा ना जो जिम्मी बाद आप फोन देख कॉल लगी दिया जमा 2 मिनट हो गया. एक साइड सूखा तो दूसरी साइड हरियाली. ये क्या सीन है. मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. अभी हमने 150 किलोमीटर पूरा कर लिया है. देखो अभी आगे और कैसा मूड होता है हमारा. अभी तक तो ठीक है ना. बिल्कुल सही है. देख लो अभी तक चल रही है. पाइप्स नहीं ख़त्म हो रही, पाइप्स साथ में है. ये वाली पाइप्स कब से चल रही हैं हमारे साथ सड़क के साइड पे रोड के. हमें
समझ नहीं आ रहा था क्या है, क्या क्यों है ये इतनी पाइप्स, कब से जब से हमने हम निकले हैं पर्थ से तब से ये पाइप साथ साथ में ही है, यहाँ रोड से थोड़ी सी बाहर अंदर को होती है या यहाँ साथ साथ में ही है। तो अब जाके हमें फाइनली पता लगा है कि ये वाटर पाइप्स है, क्योंकि इस पर हमने पढ़ लिया कहीं लिखा हुआ कि वो वाटर पाइप्स है। कब से चल रही है पता नहीं, कब तक चल, एंड तक कहाँ तक जाएंगी ये वाटर पाइप्स, बाद से जहाँ से हम निकले हैं वहाँ वहीं से शुरू हुई थी। बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं रास्ते में, मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। चेकलिस्ट में से एक चीज पूरी हो गई है, जो उसको एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना था रोड ट्रिप पे, वो भी ट्रक के लेके। पता नहीं जी लड़कों को क्या क्या उल्टे सीधे शौक चढ़ते हैं। हम लोग अभी पहुंचे हैं, अराउंड 1100 किलोमीटर दूर आ गए हैं पर्थ से, लेकिन अभी भी हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट में ही हैं। तो अभी हम यहीं पे नाइट स्टे करेंगे, खाना खाएंगे और फिर सुबह हम यहीं से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉवर्स वगैरह सब कुछ है और फिर सुबह यहीं से निकलेंगे। बहुत ठंड है और अभी कोई अपडेट और तो है नहीं, और कुछ खाएंगे और फिर सो जाएंगे और सुबह यहीं से निकलेंगे, क्योंकि रूल है 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते, तो 12 घंटे चला लिए, अब खाएंगे पिएंगे सोएंगे, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, अभी उठे हैं, ब्रश वगैरह करा है, तो मैं तो चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को हम कहाँ रुके हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रक हैं मेरे पीछे, देख ही रहे हो, एक हमारा ट्रक है बेचारा पिद्दू सा, बाकी सारे ट्रक्स बहुत बड़े बड़े हैं। रात को हमने, मुझे लगा था मैं भी यहाँ से इंडियन खाना मिलेगा, पर नहीं, यहाँ पे हमें बर्गर्स वगैरह ही मिले थे, हमने बर्गर्स ही खाए थे और उसके बाद हम सो गए और उसके बाद अब हम उठ गए हैं। तो ठंड है, बहुत ठंड है, नहीं तो इतना कुछ मैं कभी नहीं लेती। आपने देखा ही था वीडियो में, जब शुरू से हम बाद में निकले पर्थ से हम निकले थे, तो उस टाइम मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी अपनी हाफ स्लीव वाली, और इससे मेरे को इतनी ठंड लग रही है। चलो मैं आपको अपने पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। देखो कितने बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ये तो पीछे दो बॉक्सेस वाले हैं या तीन थी, हाँ तीन तीन बॉक्सेस वाले भी हैं यहाँ पे जितने, ये देखो तीन बॉक्स वाला आगे सीट पे बड़ा है, ये मिस्टर हरदेव सिंह जी आ गए हैं नहा धो के हमारा ट्रक सबसे पिद्दू वाला है, ये पिद्दू सा ट्रक, ये देखो ट्रक्स कितने बड़े बड़े। हरदेव आपने क्या खाया? मैंने चिकन सॉसेस और अभी मैं ब्रेड टोस्ट। मैंने ऑमलेट ऑर्डर करा था, क्योंकि फिर मैं तो यही खाती हूँ, बाकी सारे नॉन वेज है, तो ऑमलेट एंड ब्रेड एंड कॉफ़ी, और हाँ ये भी नॉन वेज था, और ये एग स्लाइसेस के लिए भी मंगाई थी। सो हमारा आज का ब्रेकफास्ट ऑमलेट एंड ब्रेड एंड कॉफ़ी, पर देखने में बहुत सुंदर है ये ऑमलेट भी, इसमें भी उन्होंने बेकन और मशरूम डाला था, और मैंने बेकन और मशरूम, मतलब मुझे नहीं चाहिए, बाकी ठीक है, अनियंस और टमाटो वगैरह अकेले ब्रेड के लिए लेके आई, क्योंकि तू खा लेगा कैसे खाऊंगा इसके साथ, ऑमलेट के साथ इतना होना मेरे से खाया जाएगा, ये क्या हुआ
ये भी ब्रेड देंगे इसकी मैंने टोस्ट क्यों करी पता नहीं बोला था